किसी बहन का ब्रेस्ट का पूरा विकास नहीं हुआ है। ये दो बातें हैं, ब्रेस्ट का विकास पूरा ना होना और ब्रेस्ट ज्यादा बढ़ जाना, दोनों ही अच्छा नहीं लगता है। तो कपालभाति और अनुलोम विलोम ये दो प्राणायाम से, ये बहुत खास बात है, किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है, ये मुझे भी हजारों बहनों ने बताया, उसके बाद मैं कह रहा हूं, मैंने कोई किसी किताब में पढ़ा ही नहीं, लिखा ही नहीं है कहीं किताब में। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तीन प्राणायाम और थोड़ा सा सूर्य नमस्कार करने से जिन बहनों की ब्रेस्ट पूरी नहीं थी उनकी ब्रेस्ट पूरी हो गई। नहीं तो ब्रेस्ट पूरी विकसित नहीं होते ना तो बहनों को डिप्रेशन होता है, क्योंकि ब्रेस्ट का पूरा विकास उनकी सुंदरता का एक पैरामीटर है। तो अब मैं किसी का नाम लेके नहीं कहूंगा, हजार सैकड़ों बहनें मुझसे मिली, उन्होंने बोला बाबा जी प्राणायाम करने के बाद में हमें ये पहले समस्या थी ठीक हो गई, ब्रेस्ट का पूरा विकास होता है। फिर किसी किसी का ब्रेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो भी कपालभाति से अपने आप नॉर्मलाइज हो जाता है। जिनका ब्रेस्ट पूरा विकसित ना हुआ वो शतावर चूर्ण माता ही ले सकती है, ये लेडीज के लिए सबसे अच्छा टॉनिक है। क्या बोला? शतावर।